Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Kaise hain aap? I guess you are fine. I'm feeling great. Alright, so here we are. Welcome to my channel. English is easy. You are learning English at home in a very easy manner. Okay, bahut aasani se aap English seekh rahe hain aur I guess you are improving and you are learning day by day. Alright, so let's talk about today's class. It's lecture 14. Of beginner level, and today we are going to talk about grammar. Okay, we have chosen one topic from grammar. Grammar se ek topic humne liya hai. Alhamdulillah, we have learned couple of topics regarding grammar, and we have practiced also. Seekhe bhi aur humne practice kiye. Before going towards today's task, today's topic, let's recall the yesterday's topic. In previous lecture, we discussed about present simple tense. In present simple tense, we learned, हमने सीखा था कि हम जो है वो truths के लिए, routine के लिए, habits बताने के लिए हम present simple tense हम use करते हैं. और आपने अपनी daily routine भी बनाई थी. Today you are going to practice your daily routine. डेलून ने अपने बनाई, वेरी गुड. और आज के असाइनमेंट में आप जो है यू विल जस्ट प्रोसीड उसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम चलेंगे आगे. ओके, सो इट वाज अबाउट डेली रूटीन एंड आई एम ग्लेड, खुशी है मुझे, आई एम हैप्पी दैट यू आर रियली इंप्रूविंग. सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, टेंसेस आर द बेस और द बैकबोन ऑफ ग्रामर. There are three tenses, you know, present, past and future, and then we have further branches. फिर उसमें branches आ जाती है, indefinite और simple, continuous, perfect, perfect continuous, and it's a long story, right? So आज हम सीखेंगे, हमने present simple tense सीखा और उसको हमने use किया. You practiced, very good. अब हमें need है present continuous tense की, तो आज हम ये सीखेंगे. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, समटाइम ऐसा होता है कि नाम चेंज हो जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये कौन सा नया टेंस आ गया. तो नाम, ओके, देयर कैन बी मेनी नेम्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज़ के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, हम इंसानों के भी होते हैं. ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. अच्छा, इस टेंस को हम सीखने के लिए मैंने दो पार्ट बना दिए हैं. पहला पार्ट जो है वो हम टेंस कब इस्तेमाल करते हैं, व्हेन टू यूज, व्हेन मींस कब, हम कब इस्तेमाल करते हैं. और दूसरा हिस्सा है इसका, हम जो है प्रेजेंट करेंट टेंस के जुमले कैसे बनाते हैं, हाउ टू फॉर्म. फॉर्म मतलब तश्कील देना, बनाना. ओके, तो पहले जो है हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि जिसमें जो जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, वो आपको समझ उस वक्त आएंगे जब आपको मालूम चलेगा कि बने कैसे. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जुमले ये बनाते कैसे, पहले वो डिस्कस करना चाहिए, लेकिन उसको जो डिस्कस करने में जो सेंटेंसेस है आपको हो सकता है मुश्किल हो समझने में. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जुमले बनते कैसे हैं. ओके, हाउ टू फॉर्म, वेरी सिंपल. आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख लिया तो मतलब आपने टेंसेस को जो है समझ लिया कि टेंसेस होते क्या हैं, और बाकी टेंसेस का आपको आइडिया हो जाता है जब आप एक टेंस सीख लेते हैं. सो सिंपल प्रेजेंट, लाइक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. सो स्ट्रक्चर जो है हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है तमाम टेंसेस का. सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर उसमें अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है इसको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ड्स आर चेंज. ओके, बाजू का स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लाइक अलग अलग नाम से लेकर जो है वो जो है यूज़ किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन इसे हम बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स या वर्ब्स टू बी भी कहते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी. और याद रखिएगा जब भी हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म. मतलब हम आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, बेस फॉर्म के साथ, फर्स्ट या बेस फॉर्म. ओके, सो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. रिपीट आफ्टर मी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या वर्ब बेस फॉर्म प्लस आईएनजी.
क्लियर। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इसमें वो बी वर्ब्स हमारे जो प्रेजेंट के बी वर्ब्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इज एम आर, इज एम आर, कुछ याद आ रहा है आपको? हमने वर्ड्स टू बी जब हम पढ़े थे, वर्ड्स टू बी हम कब इस्तेमाल करते हैं? किसी चीज़ के होने के बारे में बताते हैं, एनीथिंग दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़ की हालत बताने के लिए। लाइक दिस इज मार्कर, ये मार्कर है। आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दैट इज ब्यूटिफुल, किसी चीज़ की हालत बता, स्टेट ऑफ बीइंग। तो वो बी वर्ब्स जो है वो किसी चीज़ की हालत को बताता है। लेकिन अब ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो किसके तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। चीज़ वही है, देखें पहले वहाँ पर उसका इस्तेमाल था वर्ब के तौर पर, अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। समझिएगा, आई एम अ बॉय ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर सर, यहाँ पर दोनों में ये सर एम आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, एम इज आर, ठीक है। आपको देखना होगा कि यहाँ पर ये बी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या ऑक्सिलरी वर्ब, मींस यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कैसे मालूम चलेगा? आपका स्ट्रक्चर बताएगा। अगर इसके बाद इतने मार्क के बाद आपके पास कोई वर्ब आ जाता है तो आपको फौरन मालूम चल जाना चाहिए कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर वर्ब नहीं है तो आपके दिमाग में आएगा कि ये खुद ही वर्ब है, वर्ब टू बी। क्लियर? तो इज एम आर वेरी सिंपल, आपको मालूम है कि इज हम लगाते हैं ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ, एक एम लगाते हैं आई के साथ, मतलब सिर्फ आई के साथ ही हम लगाते हैं, और आर लगाते हैं यू वी दे, ये सारे प्रोनाउन है, ठीक है। ये नाउन है सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। लाइक इमरान क्रिकेट खेलता है तो इमरान क्या है? सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो मैंने क्या इमरान जगह मैंने ही लगा दिया। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट के बारे में आई गेस नो कन्फ्यूजन, सब्जेक्ट ठीक है, ये देखने सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। नाम भी हो सकता है, देखें ही लाइक प्रोनाउन है और यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये है हमारा लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारी रेसिपी है, ठीक है। इस रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए, इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप अपना जुमला बिल्कुल करेक्ट बना सकते हैं, करेक्ट बनाएंगे अगर आप इस फॉर्मूले को प्रॉपरली यूज करेंगे। ओके, यू हैव टू फॉलो द रूल, दिस इज द रूल, आप कैन नॉट चेंज द लाइक सीक्वेंस, आप सीक्वेंस चेंज नहीं कीजिएगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सादा जुमले का है। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स। ये हमने जो है जुमलों की तीन लाइक नेचर रखी हुई है, मतलब तीन लाइक देयर थ्री डिफरेंट सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मींस सादा, सिंपल भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव इंकार या इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सवाल या इसको हम दूसरे में क्वेश्चन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ड, टीचिंग वर्ड फर्स्ट फॉर्म, और ये आपके एडिशनल वर्ड्स है, एक्स्ट्रा वर्ड्स, आप इसको जो है यू विल डिस्कस लेटर। लेकिन ये मेन तीन चीज पर, हमने तीन सेंटेंस, तीन वर्ड्स पर आपने तीन पार्ट में काम किया, ठीक है। आई एम टीचिंग, आगे लगाए ना लगाए, ओके ओके, इसको आइए आपकी मर्जी, आप लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो भी तो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा जुमले में आप चीज़ जब ऐड करते हैं तो जुमला ब्यूटीफुल हो जाता है, लाइक इट मेक्स सेंस। ओके, आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम टीचिंग अरबिक लैंग्वेज, आई एम टीचिंग स्पैनिश। ओके, अब इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वेरी गुड। सवाल बने तो क्या बनेगा? एम आई टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, और जब हम सवाल बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब उठ के सवाल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। लेट्स मेक वन मोर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग वीडियो, यू आर वॉचिंग वीडियो, नेगेटिव क्या बनेगा? You are not watching video. Interrogative the question, are you watching video? Simple, very good. Negative मैंने दूसरी example दी है, Imran is not concentrating on his job. The concentrate ध्यान देना, तवज्जो देना, इमरान अपने job पर ध्यान नहीं दे रहा, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। इसका सादा क्या बनेगा? Imran is concentrating, नेगेटिव क्या हो गया? नोट लगा दिया, ठीक है।
सवाल, आर यू मेंटेनिंग योर हेल्थ? मेंटेन कहते हैं बरकरार रखना, ठीक है, क्या आप अपनी सेहत बरकरार रख रहे हैं, आप सेहत पे तवज्जो दे रहे हैं, ओके। सो क्या हो गया, हमने कहा देखिए सब्जेक्ट, अब मैं इसको, मैं अगर मैं इसको ये सवाल है, अगर फॉर एग्जांपल आपसे फॉर एक सवाल है, जवाब दीजिएगा, अगर मैं इस सवाल को सादा बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? बिल्कुल सिंपल सर, सोच लिया आपने, ओके, यू सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ये भी घूम जाएगा, तो ये आर यू क्या बन जाएगा, यू आर मेंटेनिंग योर हेल्थ, सवाल निशान हट जाएगा, नेगेटिव क्या बनेगा, यू आर नॉट मेंटेनिंग योर हेल्थ, और जब सवाल बनाएंगे तो आर यू मेंटेनिंग योर हेल्थ, इजी। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, यू विल मेक थ्री एग्जांपल्स, ओके, मैं जुमला बनाऊंगा उसका सादा इंटरव्यू और सवाल ऐसे बनेंगे, आई एम ईटिंग बर्गर, ओके, सलमान इज वॉचिंग टीवी, I am eating burger, I am not eating burger, am I eating burger? Salman is watching TV, Salman is not watching TV, is Salman watching TV? Clear? Excellent. Now that is very interesting and that is very useful part, okay? बहुत काम का, बहुत अहम और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, short answer. सवाल जब होता है हमारा तो हम जवाब देते हैं, और ज़्यादातर हम जवाब शॉर्ट आंसर देते हैं, मिसाल के तौर पर क्या आप खाना खा रहे हैं, तो आप हाँ खा रहा हूँ, नहीं खा रहा, क्या आप उसे तंग कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं कर रहा, या हाँ मैं कर रहा हूँ, अड़गड़ी तो हाँ मैं कर रहा हूँ, नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं पूरा जुमला लिख रहा, हाँ मैं उसे तंग कर रहा हूँ, पूरा जुमला नहीं बनेगा, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ। तो जब आप सवाल का जवाब देंगे शुड आंसर, तो आप क्या करेंगे, आपको जवाब देने के लिए या तो आप यस में देंगे या तो आप नो में देंगे, ठीक है। जब आप यस में देंगे तो याद रखिए शुड आंसर में आपने, फॉर एग्जांपल मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आर यू मेंटेनिंग योर हेल्थ, तो यू का जवाब किसका होता है, आई से, आपसे पूछा तो आप जवाब मे कर देगा, हाँ मैं, अगर जवाब आई से होगा तो आप आई के साथ रिप्लाई किया था यस आई एम, और अगर जवाब नो से होगा तो नो आई एम नॉट, बस। अगर मैं सवाल मिसाल के तौर पर करूँ, इज आफरीदी प्लेइंग क्रिकेट, आफरीदी क्रिकेट खेल रहा है क्या, क्या आफरीदी क्रिकेट खेल रहा है, तो आप सवाल जवाब क्या देंगे, यस ही इज, नाउ ही इजंट, ही इज नॉट, ओके ओके, सानिया इज कुकिंग बिरयानी, तो नेगेटिव क्या बनेगा, Sania is not cooking biryani. अच्छा, अगर मैं इसका सवाल बनूं, is Sania cooking biryani? अब इसका जवाब देना है मुझे, short answer में, तो जवाब क्या होगा? Yes, she is. No, she isn't. Clear? अच्छा, ये isn't क्या होगा सर? सर ये नए वर्ड आप बोलने ना तो समझ नहीं आता। बेटा very simple, जब आप is not को मिलाकर लिखते हैं तो बन जाता है ये isn't, क्या बन जाता है, आर नॉट को मिला के लिखते हैं तो ये बन जाता है aren't, ठीक है, तो मिला कर लिखना है, इसको कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म कहते हैं, ये ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जो हमें समझ नहीं आती, वेरी इजी दे आर, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह हम प्रेजेंट करने उसके जुमले बनाते हैं। अब सीखते हैं, अब मालूम करते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जल्दी से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको जुमले आप आसानी से आप समझ गए हैं कि ये क्या है, वर्ड्स डिफरेंट वर्ड हो तो आप परेशानी होगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है, वो ऐसा आपको मालूम चल जाएगा जब आप यूज़ करेंगे, ओके, यू कैन कंसल्ट डिक्शनरी, आप डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं, और यू कैन आस्क मी सर व्हाट टू कॉल दिस इन इंग्लिश और इन उर्दू, आप इस वर्ड को उर्दू में क्या कहेंगे या इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन डू यू सब इस्तेमाल करना है भाईजान, देयर आर टू वन टू रीजंस, दो रीजंस हैं, ठीक है, नंबर वन, द थिंग दैट हैपेंस नाउ एट दिस मोमेंट, कि जो चीज जो अभी हो रही है, एट हैपन नाउ, अभी हो रही है, एट दिस मूवमेंट, बिल्कुल उसी मूवमेंट पर, उसी मौके पर, अभी मैं, अभी क्या हो रहा है सर, आप पढ़ा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, अभी क्या हो रहा है हवा चल रही है, अभी क्या हो रहा है लाइक भाई टीवी देख रहे हैं, मतलब उसी वक्त, एट दिस मूवमेंट, या दूसरे अल्फाज हम ये कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, या वो बात बताने के लिए, या वो जुमले बताने के लिए जो हमारे बोलने के दौरान भी हो रहे होते हैं,
अपन जो ले रहे हैं ये जो आवाज लाइक मैकेनिक बाइक सही कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ देखो वो सही भी कर रहा है. ओके फॉर एग्जाम्पल माई मॉम शी इज इन किचन. ओके माई मॉम इज कुकिंग लंच. मैं काम में मैं बोल रहा हूँ और वो काम जारी है. मतलब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई ऐसी बात या वैसा काम जो आपके बोलने के दौरान चल रहा हो या उसी वक्त चल रहा हो. ओके एट दिस मोमेंट लाइक हम उसके बाद इस्तेमाल करते हैं नाउ उसी वक्त आपका जो है काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल माँ इज स्लीपिंग नाउ. फॉर एग्जाम्पल यू एंटर द होम, आप घर में दाखिल हुए और थोड़ा शोर हुआ तो आपको जो है मम्मा ने जो है जब भाई ना होगा स्लीपिंग नाउ, मतलब ये कि वो क्या बता रही है कि भाई वो शोर ना करो वो सो रहा है. तो मतलब बोलने के दिन वो सो रहा है उसी वक्त वो काम जारी है. हमजा इज टॉकिंग ऑन द फोन. भाई ने आप दोस्त आ गया भाई हमजा कहाँ है वो फोन लगा तो उनसे हमजा फोन में बात कर रहा है. आर यू गेटिंग. वन मोर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल योर मदर आप लाइक योर फादर आस्क योर मदर आपके पास वालिद आपके मम्मा से पूछते हैं लाइक कहाँ है वो क्या कर रही है ये क्या कर रहा है तो लाइक और आप जो है पढ़ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं आके तो वहाँ क्या कहेंगी वो वीडियो देख रहा है या वो वीडियो देख रही है क्योंकि उस वक्त आप वो काम कर रहे हैं. शी इज वॉचिंग वीडियो या ही इज वॉचिंग वीडियो. क्लियर. तो पहला क्या यूज है हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम उस वक्त हो रहा होता है एट दिस मोमेंट उसी वक्त पे जब हम बोल रहे होते हैं वो काम चल रहा होता है जारी होता है. समझ आ गया आपको. राइट. सेकंड द थिंग दैट आर अराउंड नाउ मतलब वो काम लाइक वो बातें वो काम वो अमाल जो आप जो इर्द गिर्द में होते हैं हमारे थोड़ा सा उसके अपोजिट है वो उस वक्त चल नहीं रहे होते लेकिन हमारे अराउंड ही होते हैं हमारे अराउंड ही होते हैं. सर ये क्या बात हुई आइए देखते हैं एग्जाम्पल देंगे तो बिल्कुल समझ आएगा. टेंशन ले लगा रही भाई. कंडीशन ऑफ सिटी इज इम्प्रूविंग. मैं कह रहा हूँ भाई मेरे मुल्क मेरे शहर के हालात जो है वो सुधर रहे हैं. तो वट डू आई मीन बाय दैट मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो हो रहे हैं अराउंड है मतलब कि वो नजर आ रहे हैं. अब वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं. हम एक जनरली बात करते हैं ना यार मौसम अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब आपको अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है मीन्स वो हो रहा है अराउंड यू आपके इर्द गिर्द है. आर यू गेटिंग. इसकी मिसाल में एक और एग्जाम्पल है लाइक बाबर आजम इज स्कोरिंग रन्स दिस ईयर. अब बाबर आजम इज वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर्स बैट्समैन एंड इफ यू डोंट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट लेट मी टेल यू आई गेस यू नो एवरीवन नोस आवर नेशनल हीरोज लाइक बाबर आजम इज वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेटर राइट नाउ. पाकिस्तानी टीम का जो है एक सुपर स्टार बाबर आजम. सो इज द बैट्समैन. तो मैं कह रहा हूँ भाई बाबर आजम जो है ना इस साल जो है रन कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी वो क्रिकेट खेल रहा है और वो स्कोर अभी कर रहा है. इट मीन्स दैट ये साल चल रहा है ना शुरू से वो रन कर रहा है मतलब वो कॉन्टिन्यूस अराउंड नाउ. अच्छा इसकी मैं अगर बहुत लाइक अगर मैं एक थोड़ी लाइक पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल दूँ सियासत से तो हम नॉर्मली हम ये कहते हैं यार ये पार्टी काम कर रही है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उस वक्त एक बंदा अगर झाड़ू लगा रहा है या उस बंदा अगर जो है वो जो है लोगों की खिदमत कर रहा है या आई डोंट मीन दैट मतलब वो हो रहा है अराउंड अस. आर यू गेटिंग. तो इस तरह के जब हम जुमले कहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो हो रहे होते हैं हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लाइक दिस पॉलिटिकल पार्टी इज वर्किंग फॉर द पीपल. आर यू गेटिंग. So I guess आपको समझ आ गया होगा. It is now very easy, very simple. अगर आपको समझ ना आया तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा. इंशाल्लाह द पॉइंट विल बी क्लियर टू यू अच्छा कुछ आसान या कुछ मुश्किल ना हो आपके लिए आपको पहचाने क्योंकि आपको असाइनमेंट हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करें तो आप याद रखिएगा कुछ वर्ड्स होते हैं जो खास टेंस में इस्तेमाल होते हैं. ओके इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ज़्यादा जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं टाइम एक्सप्रेशंस ये हैं लाइक फॉर एग्जांपल टुडे दिस ईयर एट द मोमेंट करंटली नाउअडेज एट प्रेजेंट दिस डेज राइट नाउ. ये तमाम वर्ड है जो आप इस्तेमाल करते हैं अभी के बारे में बताना अभी लाइक उस वक्त काम जो हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अभी अभी छोटा सो रहा है. Right now, the baby is
स्लिपिंग और हमजा इज स्लिपिंग. अभी दूसरा में वर्ड फॉर एग्जांपल ओके आई से दीस डेज ओके दीस डेज कोरोना वायरस इज लाइक दीस डेज पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू कोरोना वायरस. आर यू गेटिंग टू गो फॉर आई गो अराउंड इट करेक्ट. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेस टॉपिक. आई होप समझ आ गया होगा. अब तो फुल दिन you would have understood completely. And if you have any confusion, don't worry, you can ask me and feel free to ask any question. So let's come towards the assignment. Very important part. Number one, you have two assignments. Very simple. You have to first write daily routine. You have to make a video of daily routine. अब डेली रूटीन जो है वो प्रैक्टिस की आपने बनाई आपने करेक्ट की. अब बारी है अब वक्त है आपकी डेली रूटीन रिकॉर्ड करने का. ओके कीप द कैमरा इन योर इन फ्रंट ऑफ यू कीप इट स्टिल एंड डू इट एंड डोंट वरी. ओके बना लीजिएगा आप अपनी रिकॉर्डिंग और कोशिश कीजिएगा कि आप रीड ना करें आप स्पीक करें. डरिएगा नहीं गलत होगा कॉलम एक बार दो बार तीन बार इंशाल्लाह कभी ना कभी तो सही हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा. तो जब मैं का वीडियो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर शेयर विद मी आप बनाएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे. नंबर टू मेक फाइव एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आपको पांच एग्जांपल्स बनानी है पॉजिटिव नेगेटिव एंड क्वेश्चन. मतलब एक एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल क्या होगी फॉर एग्जांपल कैसे हैं आई एम ईटिंग बर्गर आई एम नॉट ईटिंग बर्गर एम आई ईटिंग बर्गर. तो ये पूरी एक एग्जांपल हो गई. तो इस तरह की आपको पांच एग्जांपल बनानी है. मतलब एक एग्जांपल के तीनों जुमले तो वो एक एग्जांपल के रहेंगे. तो इस तरह की फाइव एग्जांपल तो टोटल कितने सेट हो जाएंगे 3 × 5 = 15 टोटल 15 सेंटेंस हो जाएंगे. तो आप वो बनानी है तस्वीर खींच कर यू हैव टू शेयर. सो इट्स एनफ फॉर टुडे. आई गेस यू हैव लर्न सीखा होगा आपने और यू हैव कम टू नो द न्यू टॉपिक रिगार्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो इट्स एनफ फॉर टुडे. इट्स टाइम टू लीव बट बिफोर लीविंग आई हैव अ सिंपल रिक्वेस्ट. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल please subscribe it now and if you like the video so like it do like it. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.